नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। संजय सिंह का एक खास रिपोर्ट आज आपके साथ साझा करने वाले। ईडी सीबीआई को लेकर के बीते दिन आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्टेड करके कई सारी बातें हुई हैं। उस बीच में एक खास रिपोर्ट मात्र लेकर के आए जहां पर एक बार फिर से संजय सिंह गुस्से से भड़कते हुए नजर आए और बीजेपी खेमे पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि बीजेपी खेमा इस वक्त हड़कंप में नजर आ रहा है। ईडी सीबीआई और बीजेपी कनेक्शन को लेकर के क्या कुछ बोलते हुए नजर आए संजय सिंह, खुद सुन लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री, ईडी और सीबीआई, इसका यही काम रह गया। इसका मकसद कोई जांच करना नहीं बल्कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उसको फंसाना, उसको बदनाम करना, उनके साथ जुड़े हुए लोगों को जेल में डालना, उनको प्रताड़ित करना, ये काम रह गया। देश की इन दोनों ईडी सीबीआई की जांच एजेंसी का काम गन पॉइंट पे बयान लेना रह गया है। गवाहों से गन पॉइंट पे बयान लेते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं और बयान लेने के बाद फंसाते हैं, जेल में डालते हैं। सबूत कुछ नहीं, तथ्य कुछ नहीं, प्रमाण कुछ नहीं, घोटाला कुछ नहीं, लेकिन धमकाना है, डराना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर उनकी कठपुतली बन के नाचना है, यह काम ईडी और सीबीआई का हो गया है। और कई प्रमाण हम पहले दे चुके हैं, आज और बहुत सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। क्या भाषा बोलते हैं लोग, और इसके दो तीन बड़े किरदार हैं। एक संजय मिश्रा है जो ईडी के डायरेक्टर है, दूसरा वहां पर एक महिला अधिकारी है भानुप्रिया, तीसरे एक सीबीआई के अधिकारी है अनमोल सचान। आप कल्पना करेंगे, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आपराधिक कृत्य अधिकारी कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध अपने ड्यूटी के साथ। मैं इन सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी तो 75 साल के बाद संन्यास ले लेंगे, लेकिन आपको तो आगे भी नौकरी करना है। न्याय कीजिए, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का पालन कीजिए। यह डराना, धमकाना, यह गन पॉइंट पे बयान लेना, यह कान फाड़ना, यह कहना कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी देख लेंगे, यह सब बंद कीजिए। किसी के बाप को बुला के बैठा के धमकाया जा रहा है, किसी की पत्नी को बुला के बैठा के धमकाया जा रहा है, किसी की मां को बुला के धमकाया जा रहा है। मां बाप पत्नी को पहले अपने साथ एक कमरे में बंद करके रखते हैं, उसके बाद जाके जेल में कहते हैं कि वो सब हमारे कब्जे में है, बयान दे, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इन तीनों अधिकारियों को इन्वर्टेड कामा में बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि अब आपके द्वारा लिखे गए बयान और जिस बयान पर जबरन आप हस्ताक्षर कराने के लिए प्रयास कर रही थी, उसका साक्ष्य हमारे पास आ गया है और समय रहने पर उसको उजागर करेंगे। बहुत सारे साक्ष्य आप लोगों के, हम लोगों के पास आ चुके हैं कि किस तरीके से आप ये पूरी जांच कर रहे हैं, किस तरीके से पूरा ये षड्यंत्र रच रहे हैं, पूरा खेल कर रहे हैं, उसके पूरे साक्ष्य हमारे पास आ चुके हैं। क्या शुरुआत की जांच की इन्होंने, और इस पूरे मामले में ईडी में आईओ तो है जोगिंदर सिंह, लेकिन उनकी कुछ चलती नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। संजय मिश्रा के इशारे पर भानुप्रिया जो एक महिला अधिकारी है, उसको निर्देश दिया जाता है ऐसे प्रताड़ित करो, ऐसे मारो, ऐसे धमकाओ, ऐसे गालियां दो, ऐसे अपमानित करो, और बयान लिख के जाती है, बयान लिख के बोलती है इस पे साइन कर, ये लिख के दे रही हूं, इस पे साइन कर,
ये भाषा होती है उस अधिकारी की। और ऐसे तमाम साक्ष्य और प्रमाण हम लोगों के पास आ चुके हैं जो कोर्ट के सामने हम लोग रखेंगे। पहले क्या आरोप लगाया, कहने लगे साहब 100 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। फिर क्या बोले, बोले 20 से 30 करोड़ का साक्ष्य मिल गया है। 8 महीने तक जांच चली, 8 महीने तक सैकड़ों अधिकारी कई राज्यों में छापेमारी, गिरफ्तारी, प्रताड़ित करना, गुंडागर्दी सब कुछ कर डाले। 100 करोड़ का आरोप, 8 महीने तक जांच, फिर उस 100 करोड़ के फिगर को बदल के 20 से 30 करोड़ रुपए कर देते हैं कि साहब 20 से 30 करोड़ का साक्ष्य मिल गया। 8 महीने बाद कोर्ट ने पूछा भाई 20-30 करोड़ का साक्ष्य कहां है, तो कहने लगे साहब 6 लाख रुपए का साक्ष्य। मजाक सुनिएगा आप, कह रहे हैं 6 लाख रुपए का प्रमाण है। आरोप है 100 करोड़ का, फिर आए 20-30 करोड़ पे, फिर प्रमाण दे रहे हैं 6 लाख रुपए का। यह इनकी जांच, यह इनकी नौटंकी, यह इनका ड्रामेबाजी। अभी 2 दिन पहले से क्या शुरू किया है, 17 करोड़ का सबूत मिल गया। आप रोज नए ड्रामे कर रहे हैं, रोज नया मजाक बना रहे हो। आप, आपकी ईडी सीबीआई कोई जांच एजेंसी है या कॉमेडी कंपनी है? आपने एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट खोल रखा है। पहले कहोगे 100 करोड़ का घोटाला, फिर कहोगे 20 से 30 करोड़ का घोटाला, फिर कहोगे 6 लाख का साक्ष्य, फिर कहोगे 17 करोड़ का है। अब कुछ नहीं मिला तो अब 17 करोड़ का एक और मिला। इतना ही अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से नफरत है तो मैं तो प्रपोजल दे चुका हूं प्रधानमंत्री जी को कि किसी चौराहे पे खड़ा करके हम लोगों को तोप से उड़वा दीजिए। इतनी नफरत क्यों रखते हो भाई, कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा। फिर 2 दिन पहले से शुरू कर दी 17 करोड़। अब 1 साल तक 17 करोड़ की जांच चलेगी, 1 साल तक सबको जेल में धमका धमका के रखो। और ये 17 करोड़ की जांच के लिए भी वही टैक्टिक्स, डराओ धमकाओ झूठे बयान लो, वही टैक्टिक्स। कोर्ट ने 8 महीने के बाद जब पूछा भाई सबूत तो दो, आरोप लगा रहे हो 100 करोड़ के घोटाले का, कोई तो सबूत दो। 1 रुपए का ना घोटाला हुआ है ना 1 रुपए का इनके पास कोई सबूत है। ये दोनों की दोनों जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी के इशारे पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने की पूरी कोशिश और साजिश रच रही है। एक भी साक्ष्य इनको नहीं मिला, एक प्रमाण इनको नहीं मिला। अभी एक व्यक्ति के बारे में हल्ला मचाया गया कि साहब उसने केजरीवाल के बारे में बयान दे दिया, केजरीवाल से उसकी बात हुई, केजरीवाल से उसकी मुलाकात हुई। आप सोचिए, देश के 3 बार के चुने हुए दिल्ली के राज्य के मुख्यमंत्री, उनके बारे में झूठा प्रचार मीडिया के माध्यम से किया गया कि किसी शख्स का बयान आ गया है कि साहब ये तो केजरीवाल का नाम ले रहा है, केजरीवाल से मुलाकात हुई है, केजरीवाल ऐसा केजरीवाल वैसा। उसकी सच्चाई ये पता चली कि उसके मां, उसके पिता और उसकी पत्नी को बुलाकर अपने पास रख के धमका कर उससे बयान लिया गया। बाद में उसी व्यक्ति ने कोर्ट में जाके कहा कि ये सारी बातें झूठी हैं, हमसे जबरदस्ती जबरन बयान लिया गया। तो 8 महीने के बाद कोर्ट ने पूछा भाई कोई तो सबूत दो, तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ईडी वाले सीबीआई का, सीबीआई वाले ईडी का, दोनों अपने आका मोदी को याद करने लगे और कहा साहब कोई सबूत नहीं है। संजय सिंह का आपने ये बयान सुना, बयान सुनने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।